आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के माझा प्रखंड के माधव उच्च विद्यालय खेल मैदान के परिसर में सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोलते हुए अपनी भड़ास निकाली। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टी के नेताओं द्वारा तूफानी दौरा जारी है। ऐसे में अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने के लिए जनता से अपील की जा रही है। वहीं सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विकासशील पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर से गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि डॉक्टर ने हमें बेड रेस्ट के लिए कहा है, लेकिन हमने ठान लिया है कि जब तक मोदी जी बेड रेस्ट नहीं कर देंगे तब तक हम रेस्ट नहीं करेंगे। मोदी जी सबसे आसान राजनीति करते हैं और वो है राजनीति क्या है, वो राजनीति नफरत की राजनीति है। हिंदू को मुसलमान से लड़वा दो, दंगा करवा दो और राज करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी महंगाई में नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पर भी नहीं बोलेंगे और गरीबी पर गौ नहीं बोलेंगे। आज मोदी जी तीन तीन सभा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा कब सफाया होने वाला है। मोदी जी आएंगे और एक ही बात कहेंगे, मंदिर मस्जिद इस्लाम सनातन हिंदू मुस्लिम बस, पढ़ाई दवाई सिंचाई की बात नहीं करेंगे। हम गोपालगंज के हैं, हमारा घर है फुलवरिया और ननिहाल है सिलार कला। हम लोगों को बीजेपी वाला कोशिश करता है कि झुका दे, कैसे भी झुक जाए उनसे डर जाए, केस मुकदमा करवाता है, ईडी सीबीआई करवाता है, लेकिन आज तक गोपालगंज के धरती पुत्र लालू जी भाजपा के आगे झुके नहीं है। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी नहीं डरने वाला। हम बिहारी हैं, बिहार से गुजराती डरा देंगे। जब तक उन्हें सत्ता से बेदखल नहीं कर देते तब तक हम चैन से बैठने वालों में नहीं है। हम लोग कलम बांटते हैं, वे लोग तलवार बांटते हैं। वही मुकेश सहनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा देश का संविधान खतरे में है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बनाए हुए संविधान को दिल्ली में बैठी सरकार नहीं मानती। ये केंद्र की सरकार बनी तो सरकार को गिरा देते हैं, विधायक और सांसद को खरीद लेते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है। देश की जनता को अपमान करते हैं। 16,000 करोड़ रुपया भाजपा को चंदा में मिला। उनका एक स्कीम चलता था, चंदा दो और धंधा लो। वह बिहार में आकर एक्टिंग करेंगे, बिहार में आकर रोएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे रामविलास पासवान की मूर्ति को खंडित किसने किया था, किसने उनके परिवार से अलग किया था, किसने उनके पार्टी को तोड़ा, किसने उनके परिवार को लड़वाया। आज बिहार में आए हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को याद कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। ये मगरमच्छ का आंसू बहा रहे थे। हमको लगता है कि मुंबई के शाहरुख खान और सलमान खान को एक्टिंग करने में फेल कर देंगे। फाइनेंस कंपनी का पैसा गबन करने के मामले में पुलिस ने दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इन्हीं के द्वारा थाना में पैसा लूट की घटना को आवेदन दिया गया था, परंतु अनुसंधान के बाद पुलिस ने आवेदनकर्ता को ही गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 10 मई 2024 को वादी दिलीप कुमार, पिता सुरेश महतो, साकिब माधव, थाना भगवानपुर, जिला सिवान के लिखित आवेदन के आधार पर नगर थाना कांड संख्या 357/24 10/5/2024 धारा 392 भारतीय दंड विधान दर्ज किया गया था, जिसमें दिलीप कुमार द्वारा बताया गया कि अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा मेरा 103,920 रुपया मोबाइल लूट लिया गया है। कांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए 36 घंटे के अंदर तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर पता चला कि वादी द्वारा ही फर्जी तरीके से मिडलैंड माइक्रो फाइनेंस का 103,920 रुपया गबन करने हेतु अपने भाई मुकेश कुमार के साथ साजिश कर झूठा कांड दर्ज कराया था, जिसमें आरोप में दिलीप कुमार और उसके भाई मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया तथा इसके निशानदेही पर मोबाइल 77,040 रुपये बरामद किया गया। जिस बाइक से मुकेश कुमार दिलीप कुमार से पैसा लेने वाला आया था वो भी बरामद किया गया। पहले नगर थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना प्रतिवेदित की गई थी, जिसमें से एक सीएसपी कलेक्शन करने वाला एक व्यक्ति था, जिससे लगभग 1 लाख रुपए की लूट की गई थी। इसमें पुलिस ने त्वरित रूप से अनुसंधान किया और जिसमें कि यह बात सामने खुल के आई कि जिस व्यक्ति ने केस दर्ज करवाया था उसने और उसके भाई ने मिलकर ही ऐसा एक गलत केस रिपोर्ट करवाया था और उसमें लूट किया गया जो तथाकथित लूट किया गया जो पैसा था वो खुद ही रख लिया था उसके भाई के साथ मिलकर, और उसकी मंशा गबन करने की थी और 420 की मंशा थी। और इसमें हम लोगों ने वो पैसे भी रिकवर किया है, लगभग 77,000 रुपये रिकवर किया है, बाकी पैसा उसने खर्च कर दिया है
और जिस मोटरसाइकिल से ये सारी चीजें प्लान की गई थी वो भी बरामद की गई है, और उसने अपना गुनाह भी कबूल किया है, इसमें कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी दो लोगों की अरेस्ट की गई है। गोपालगंज शहर के सरिया वार्ड नंबर 1 में बिना बरसात के ही बाढ़ आ जाने से मोहल्ले के लोग त्रस्त हैं और महामारी आने का भय नहीं सता रहा है। आपको बताते चले कि एक दिन की समस्या नहीं है, यहाँ वर्षा के जल जमाव की स्थिति का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। सड़क पर नाले का पानी और लोगों के शौचालय का पानी आए दिन जाम हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिनों के लिए नगर परिषद की तरफ से पानी निकलने के लिए मोटर का इंतजाम करवाया गया था, परंतु मोटर भी जल गया और लोगों को इस जल जमाव की समस्या का स्थायी निदान नहीं मिल सका। यहाँ नाले के पानी को निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है, बल्कि दूसरे मोहल्ले के नाले भी इस मोहल्ले में आकर पानी गिराते हैं, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा यहाँ जल जमाव जैसी संकट का कोई स्थायी निदान नहीं निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश है और इस चुनाव में लोग नेताओं का विरोध करने के लिए भी मन बना चुके हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही प्रखंड की आरएम पब्लिक स्कूल बिशंबरपुर के छात्र खुशी से झूम उठे। आरएम पब्लिक स्कूल की छात्रा विनीता कुमारी ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 500 में से 487 अंक हासिल कर विद्यालय टॉपर बनी है। वहीं इस विद्यालय के 25 छात्र 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं, तो वहीं 80 छात्र 80% से अधिक अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। बरौली प्रखंड के डॉक्टर वीरेश कुमार की पुत्री विनीता कुमारी ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 97.4% अंक हासिल कर विद्यालय टॉपर बनी है। वे आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती है। वहीं इसी विद्यालय की छात्रा नमीरा अमन उस्मान ने 96% अंक हासिल कर द्वितीय व तथा जय कुमारी एवं सौम्या कुमारी ने 94.4% अंक हासिल कर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय का नाम रोशन करने पर विद्यालय के निदेशक ई विकास सिंह एवं शैक्षणिक निदेशक सुजीत कुमार सिंह ने छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया है। बरौली थाने की पुलिस ने सूचना मिलने पर 45 कार्टून शराब के साथ स्कॉर्पियो बरामद किया। इसकी जानकारी देते हुए बरौली थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र की खजुरिया रोड में कुछ लोग शराब की खेप लाए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थल पर पुलिस पहुंची, तभी पुलिस को देखते ही शराब के कारोबारी स्कॉर्पियो गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। गाड़ी की जब पुलिस तलाशी ली तो उसमें छुपा कर रखे गए 45 कार्टून में कुल 388 लीटर शराब के साथ पुलिस ने स्कॉर्पियो बरामद किया। वहीं फरार शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टडवा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में, संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, आर्ट कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एन इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज, और अब हमारी नई शाखा गोवंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास गेट्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति,
गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर एक शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन, विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड होल मार्क सोने के चांदी के आभूषण मन चाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान, 1,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाए, साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई के संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। कुचायकोट CBSE बोर्ड ने सोमवार को 10वीं की परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें बलथरी गांव निवासी उत्सव कुमार शाही ने इस परीक्षा में 438 अंक पाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। बलथरी गांव निवासी संजय शाही का पुत्र उत्सव कुमार बिहार विकास विद्यालय का छात्र है और ये आगे की पढ़ाई में IIT करना चाहता है। उत्सव कुमार की उपलब्धि पर परिवार वालों के साथ गाँव में भी खुशी का माहौल है। कुचायकोट थाना अंतर्गत बलथी मोड़ NH 27 से एक कार में 288 लीटर विदेशी शराब के साथ भीम कुमार पिता मदन यादव साकिम जियादी टोला थाना जामो जिला सिवान को गिरफ्तार किया गया है। एवं बरौली थाना अंतर्गत खजुरिया तीन मुहानी के पास से 388 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। इसमें किसी तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया, शराब और वाहन को जब्त कर लिया गया है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।